नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी सरकार के 9 साल पूरे मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट, तय फॉर्मेट में पूछा पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ। मोदी ने कर्नाटक के लोगों से वोट की अपील की, वीडियो संदेश में कहा राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर वन बनाना चाहते हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी बोले, हर कन्नड़ का सपना मेरा अपना, विकसित देश के संकल्प को नेतृत्व देगा कर्नाटक। संघ पदाधिकारी ने मीडिया को दी नसीहत, कहा बिना पक्ष लिए सच को सामने रखे हम फेक न्यूज में सबसे बड़े शिकार। कर्नाटक में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें, ईसी ने कर्नाटक की संप्रभुता से जुड़ी पोस्टर पर खड़गे से मांगा जवाब। बीजेपी का मकसद मेरी गिरफ्तारी करवाना, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, शराब नीति मामले को बताए षड्यंत्र। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे नीतीश कुमार, एनसीपी चीफ ने विपक्षी एकजुटता पर दिया अहम बयान। संजय राउत बोले, बीजेपी एनसीपी को तोड़ने के लिए प्लान बना रही, शरद पवार के इस्तीफे से उनका गेम प्लान खराब कर दिया गया। कर्नाटक को संप्रभु कहने पर सोनिया की शिकायत, भाजपा इलेक्शन कमीशन से बोली, कांग्रेस की नजर में कर्नाटक देश से अलग है। तेलंगाना के युवाओं को कंपनियों में 75% आरक्षण का वादा, प्रियंका बोली सरकार बनी तो हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। पश्चिम बंगाल में दिकेला स्टोरी बैन करने पर बीजेपी हमलावर, पूछा क्या ममता बनर्जी को आईएसआई से हमदर्दी है। असम की महिला आईएएस अजमेर से गिरफ्तार, 105 करोड़ के घोटाले के मामले में फरार रही, काटने आई थी, साथ में दामाद और कॉन्ट्रैक्टर को भी पकड़ा। मणिपुर हिंसा के म्यांमार में उग्रवादी भी शामिल, मिजोरम के रास्ते राज्य में घुसे स्थानीय लोगों में घुल मिलकर सुरक्षा बलों से बचे रहे। मोचा तूफान के म्यांमार बांग्लादेश की ओर बढ़ने का खतरा, बंगाल की खाड़ी से ऊपर लो प्रेशर बनना शुरू। एवलान से जोजिला दर्रा बंद, सीमा सड़क संगठन के फंसे 10 लोगों को बचाए, सेना की टीम भी मदद को पहुंची। अखिलेश यादव का भाजपा परिवार, बोले सीएम योगी को नहीं पता प्रदेश में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ करते हैं तमंचे की बात। शिवपाल बोले, भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, कानपुर में कहा यूपी के मंत्रियों में एक बाबू चपरासी का ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं। निकाय चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़ से बनाई दूरी, चुनाव प्रचार के लिए जिलाध्यक्ष और विधायकों को जिम्मा दिया। संजय शेरपुरिया ने गुजरात में भी लोगों को ठगा, नौकरी के नाम पर लिए थे करोड़ों रुपए, आज रिमांड का आखिरी दिन। पीएफआई के 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी, आजमगढ़ और जौनपुर में सक्रिय पीएफआई बात करने के लिए करते हैं खास ऐप का इस्तेमाल।
मेरठ में साले ने जीजा के सीने में मारी गोली, शादी समारोह में हुई थी कहा सुनी, पति से चार साल से चल रहा था विवाद। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या, मकान मालिक से था अवैध संबंध, मथुरा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लिफ्ट में छात्रा को दिखाया चाकू, गाजियाबाद में डरी सेमी कोने में खड़ी रही, बीटेक स्टूडेंट सहित दो अरेस्ट। बीवी बच्चे निकले एसडीएम के ड्राइवर के कातिल, अपने से आधी उम्र की लड़की से की थी दूसरी शादी, फिर नाबालिग बेटे पर ही करने लगा था शक। बेटी ने किया मां का अंतिम संस्कार, पैरोल पर तिहाड़ जेल से वृंदावन पहुंची बेटी, फ्रॉड के मामले में जेल में बंद है। नकली नोटों की डंपिंग साइट बना रहा है नोएडा, एक महीने में 6.95 लाख की नकली करेंसी जब्त की गई है, दिल्ली और बिहार से हो रही है सप्लाई। चित्रकूट गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, मध्य प्रदेश में पुलिस ने 3 घर गिराए। बच्चे का अपहरण करने वाले 4 दोषियों को हुई सजा, अदालत ने लगाए 35-35 हजार का जुर्माना। यूपी से उत्तराखंड तक फैला फर्जी मैरिज ब्यूरो नेटवर्क, टारगेट रोज 5 से 7 लोगों को शादी के नाम पर ठगने का आरोप है। अतीक के हत्या पर विवादित ट्वीट करने वाले पर एफआईआर लिखा, अभी नस्ल खत्म नहीं हुई, अतीक का बेटा अली अभी जिंदा है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष का सीएम पर कटाक्ष, सांसद विधायक से लेकर जिला पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का। बदायूं में दूल्हा दुल्हन ने 36 सेकंड में दागे 4 फायर, जयमाल के बाद दोनों ने लाइसेंसी राइफल से चलाई गोली, दुल्हन ने दबाया ट्रिगर। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर एक्शन, बाराबंकी एम्बुलेंस प्रकरण में होगी कुर्की की कार्रवाई। इटावा में बसपा नेता ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा निकाय चुनाव में सपा की होगी हार। उन्नाव में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में जीजा साली जख्मी, शादी समारोह में होने जा रहे थे शामिल। मुरादाबाद में देर रात युवक की हत्या, आवास विकास फेज 2 में एमजीआर रेस्टोरेंट के पास युवक को 2 गोलियां मारी गई। बलिया में गंगा में डूबने से युवक की मौत, मुंडन संस्कार में शामिल होने आया था, नहाने के दौरान हुआ हादसा। डीएम ने की बाढ़ आपदा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, पर्याप्त संख्या में नाव और नाविकों को गोताखोरी की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो लगाने पर छात्रा ने दी जान, परिजन बोले घर से कॉलेज के लिए निकली थी ट्रेन में, हालात बिगड़ने पर मिली जानकारी। आप सांसद संजय सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, बोले मेरठ की सफाई करनी है तो आपको झाड़ू चलानी पड़ेगी। अलीगढ़ में पकड़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग, हरियाणा दिल्ली में चोरी करके अलीगढ़ में चला रहे थे गाड़ी।
अंबेडकर नगर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष की लाठी से पीटकर हत्या, कई साल से चल रहा था जमीन का विवाद। एनी डेस्क डाउनलोड कराकर मोबाइल से उड़ा ले गए रुपए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर की ठगी, अनजान से कभी शेयर न करें जानकारी। गाजीपुर में फरार आरोपी के घर पुलिस टीम मुनादी कराते हुए जसपात की धारा 82 की नोटिस, हत्या के प्रयास मामले में वांछित था। हापुड़ में पशु व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार, 67,000 की नकदी और 3 अवैध तमंचे बरामद कर लिए गए। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम धामी ने किया नमन, कहा अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर सीएम धामी ने किया नमन, कहा समाज सेवा के प्रति समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक सोमनाथ मेला का शुभारंभ हुआ, सीएम धामी ने किया गोरिया पुस्तक का विमोचन। शिक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त, अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभा किए जाने के आवश्यक। उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मंगलवार को एलएसबी अकादमी के कार्यक्रम में हुए शामिल। संसदीय समिति के सदस्यों ने टिहरी बांध का भ्रमण, कहा जल प्रबंधन के लिए बन रही कार्य योजना। उत्तराखंड में लैंडस्टोन वन प्रभाग ने जंगल की जमीन से हटाया धार्मिक अतिक्रमण, 60 वर्ष पुरानी मजार तोड़ी। वीवी भवन से 48 घंटे बाहर, बाहर आए छात्र नेता, आंदोलन का नहीं हुआ समाधान, डीएसडब्ल्यू बोर्ड के सदस्य देंगे इस्तीफा। उत्तराखंड में चिनूक आज से केदारनाथ पहुंचाएगा पुनर्निर्माण सामग्री, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद रहेगी हेली सेवा। उत्तराखंड के सीएमओ कार्यालय में विजिलेंस का छापा, एसएमओ और संविदा कर्मी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। उत्तराखंड के चार धाम में हुई बर्फबारी, यमुनोत्री में गिरे ओले, जानकी चट्टी में गुजरात के यात्री की मौत। केदारनाथ में अगले कुछ दिन मौसम रहेगा खराब, पंजीकरण कर 15 मई तक लगी रोक, 1.75 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड में 18 लाख रुपए से अधिक की स्टाम्प चोरी, पकड़ी गई, लगा जुर्माना वसूली के लिए नोटिस जारी। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैब के भवन से गिरी टाइल्स, बाल बाल बच्चे पंजीकरण के लिए लाइन में लगे यात्री। फिट बर्फ से ढका हेमकुंड साहिब, इस बार बर्फीली गलियों से गुजरेंगे यात्री, बर्फबारी होने से काम प्रभावित हुआ है। कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष बने सचित, 46 साल के मेहरा पर इलेक्शन में जीत दिलाने का जिम्मा, पीएम टूरो के करीबी हैं दोस्त हैं। टेक्सास शूटिंग में भारतीय मूल के इंजीनियर की भी हत्या, गनमैन ने शॉपिंग मॉल में की थी फायरिंग, नाजी समर्थक था हमलावर।
तुर्की के गांधी के कमाले का चुदालू दांडी मार्च की तरह 450 किलोमीटर की जस्टिस मार्च निकाली, हमने झेले हैं, अर्दोगन को सबसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा, स्वात घाटी में कैंप बना सकता है तालिबान, 2012 में हुआ था मलाला पर हमला। ईरान हर घंटे में एक व्यक्ति को फांसी दे रहा, मानवाधिकार संगठन का दावा, 10 दिनों में 42 को दी जा चुकी है मौत की सजा। अमेरिका में सड़क पर खड़े लोगों को कार ने रौंदा, 8 लोगों की मौत, 10 घायल, मरने वालों की ज्यादातर प्रवासी हैं। पाकिस्तानी फौज से बेहतर हथियार आतंकियों के पास, 16 दिन में 21 सैनिक मारे गए, अब अमेरिकी वेपन्स से हमला कर रहे हैं तालिबान। उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद पर इजराइल का वार, गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक में मार गिराए 3 कमांडर। अफगानिस्तान से सेना वापसी के फैसले पर घिरी बाइडेन सरकार, संसदीय समिति ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बोले, रूस को उसी तरह हराएंगे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को हराया गया। इनएक्टिव पड़े अकाउंट को बंद करेगा ट्विटर, मस्क ने कहा इसमें कई यूजर्स के फॉलोअर काउंट में कमी आ सकती है। एनपीएसटी ने एक साल में दिया 830% रिटर्न, मल्टीबैगर शेयर ने 691 का नया 52 वीक हाई बनाया, एफवाई 23 में 337% बड़ा कंपनी का मुनाफा। 2027 के बाद बंद हो सकती है डीजल कारें, ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा गया है। हुंडई एक्सेल की बुकिंग शुरू, 6 सिंगल टोन और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे, E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेगी माइक्रो एसयूवी। वॉरेन बफे ने एटम बम से की एआई की तुलना, बर्कशायर हैथवे के सीईओ ने कहा एआई दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। ₹61,000 सस्ती मिल रही मारुति की कारें, टाटा भी अपनी गाड़ियों पर दे रहा है ₹35,000 तक का डिस्काउंट। सोना चांदी के दामों में गिरावट, 61,000 पर आया सोना, देखे कैरेट के हिसाब से इसकी क्या है कुछ है कीमत। कोफर्स को टिकटों की बुकिंग तुरंत रोकने का आदेश, डीजीसीए ने पूछा आपका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाए, 15 दिन में जवाब देना होगा। ईडी ने मुंबई में कारोबारी की 41 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, गलत जानकारियों के जरिए विदेश में धन। इम्फाल से कोलकाता का हवाई टिकट कराया 20,000 तक पहुंच चुका है, कंपनियां विशेष उड़ानें संचालित कर रही हैं। विंध्या ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीता, पीछे जल उठा गांव, दंगों में मारे गए 2 से 3 पड़ोसी खिलाड़ी, बोली प्लीज मेरा पुराना मणिपुर लौटा दो। भारतीय टीम ब्रिज गेम खेलने पाकिस्तान पहुंचा, 30 प्लेयर्स ने बाघा बॉर्डर से एंट्री ली, ये कार्ड्स की एशियन चैंपियनशिप। एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, भारत के मैच दूसरी जगह कराए जाने का प्रपोजल खारिज, श्रीलंका को हो सकता है मेजबानी का अवसर।
रिंकू के चौके से आखिरी बॉल पर जीता कोलकाता, पंजाब को 5 विकेट से हराए। 19वें ओवर में रसेल ने 20 रन बनाए। राहुल की जगह ईशान डब्ल्यूटीसी फाइनल टीम में आईपीएल में चोटिल हुए थे। केएल उमेश उनादकट भी इंजर्ड, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट तय नहीं। पाकिस्तान ने 2 दिन में ही गवाया ओडीआई नंबर 1 पोजीशन। न्यूजीलैंड 5वां वनडे 47 रन से जीता। पाक का सीरीज पर 4-1 से कब्जा। कप्तान ने लिया कप्तान का विकेट। सेकेंड लास्ट बॉल पर रसेल रन आउट, फिर रिंकू के चौके से जीता कोलकाता। आंद्रे रसेल रहे जीत के हीरो। मैच के बाद क्या रणनीति का खुलासा, रिंकू सिंह को खूब सराहा। एमएस धोनी के बड़े फैन हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का। उम्मीद है हमारा बेटा सीएसके के लिए खेलता रहेगा। हैरी ब्रू की सहवाग ने लगा दी क्लास, सुनाई खरी खोशी का। आप ट्रोलिंग करने वाले लोगों से क्यों उलझ रहे हैं। दिखेरे स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दोस्तों को फिल्म से दूर रहने को कहा लेकिन विद्युत जामवाल नहीं मानी। अरिजीत सिंह के साथ फैन की बस तलू के लाइव कॉन्सर्ट के बीच हाथ पकड़कर खींचा, इसके बावजूद सिंगर ने प्यार से समझाया। द केरल स्टोरी, पश्चिम बंगाल में बैन, ममता बोली इससे राज्य का माहौल खराब होगा। कहा आशंका है कि बंगाल फाइल्स भी बनेगी। इंडियन स्पाइडरमैन की आवाज बनेंगे क्रिकेटर शुभमन गिल, हिंदी और पंजाबी में करेंगे डबिंग। 2 जून को रिलीज होगी फिल्म। फोटोग्राफर की मां से मिली आलिया भट्ट, मिलाया हाथ, बोली आपका बेटा परेशान करता है, डाउन टू अर्थ नेचर देख फैंस हुए खुश। केरल स्टोरी, एमपी के बाद यूपी में टैक्स फ्री। फिल्म के क्रू मेंबर को अनचांसक ने मैसेज भेजा, अकेले बाहर घर से निकलना मना कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने फैंस को सुनाई बेटी की आवाज, मालती को पार्क को माने के लिए देसी गर्ल, शेयर किया क्यूट वीडियो। फिल्मों से ब्रेक के बीच आमिर लेंगे मेडिटेशन का सहारा, प्रोग्राम के लिए पहुंचे नेपाल, 10 दिनों तक लेंगे खास सेशन। सिर्फ एक बंदा काफी है का ट्रेलर रिलीज, वकील बन दमदार रोल में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, सच्ची घटना पर आधारित है मूवी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी हुई, मुंबई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।